छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट 2012 सॉल्ड पेपर वर्ग दो शिफ्ट इवनिंग सामाजिक अध्ययन। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार क्या है? मूल अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 के मूल अधिकार से हटाकर भाग 12 के अनुच्छेद 300A में जोड़ा गया है। अकबर की राजस्व व्यवस्था उसके उत्तराधिकारी के नाम से जानी जाती है, उसका नाम है टोडरमल। अकबर के वित्त मंत्री के रूप में राजा टोडरमल ने राजस्व एकत्र करने की नई व्यवस्था शुरू की, जो कि जब्त व्यवस्था या दहशाला व्यवस्था के नाम से जानी गई। निम्नलिखित में कौन सा शहर मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी? पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और स्वर्णगिरी के प्रांतीय केंद्रों में 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। माना, पखांजूर और मैनपाट का संबंध किससे है? शरणार्थी स्थल। मुगल शासन काल में भारत में व्यापार के लिए आने वाले प्रथम यूरोपी कौन थे? पुर्तगाली। किस स्थान में 1857 के सिपाही विद्रोह की प्रथम घटना हुई? बैरकपुर। निम्नलिखित कायांतरित कौन सा चट्टान है? संगमरमर। किस गवर्नर जनरल ने भारतीय राज्यों के प्रति सहायक संधि की नीति अपनाई थी? लॉर्ड वेलेजली। भारत में सहायक संधि की नीति 1798 से 1805 तक भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली द्वारा बनाई गई थी। इस राज्य में किस स्थान पर प्रतिवर्ष कुंभ मेला लगता है? राजिम। भारतीय संविधान के अनुसार लड़की लड़के की उम्र विवाह के समय होनी चाहिए 18 वर्ष से 21 वर्ष। 18 वर्ष से 21 वर्ष। निम्नलिखित में से ऊंचाई पर स्थित सामरिक स्थल हिम क्षेत्र कौन सा है? सियाचिन। भारतीय संविधान के अनुसार किस वर्ष में महिला को परिवार के कर्ता का स्थान दिया गया? 2005। सूर्य के किन किरण का अवशोषण ओजोन परत द्वारा किया जाता है? पराबैंगनी किरण। समुद्री भूकंपी तरंग को क्या कहते हैं? सुनामी। इस राज्य में बाल श्रमिक की आयु सीमा क्या है? 14 वर्ष। किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया था? अकबर। सती प्रथा के विरुद्ध कानून बनाने वाले गवर्नर जनरल का नाम था? लॉर्ड बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कानून बनाकर भारत में सती प्रथा को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया। भारत में हरित क्रांति के तहत चावल बोया गया, सही राज्य चुने?
पंजाब। महाराष्ट्र में संत तुकाराम ने किस पंथ की स्थापना की? वारकरी। निम्नलिखित में से सही जोड़ी कौन सी है? पावर ग्रिड कुम्हारी। प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत क्या है? संस्कृत साहित्य। त्रिस्तरीय पंचायती राज एवं नगरी प्रशासन प्रशासनिक व्यवस्था का विरोधी कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भोरमदेव का मंदिर किस वंश के राजा के काल में निर्मित हुआ? फड़ी नाग वंश। गोपाल देव ने 1089 ईस्वी में कवर्धा में छपरी के निकट चौरा ग्राम में भोरमदेव मंदिर का निर्माण कराया। मलिक मोहम्मद जायसी किस ग्रंथ के रचयिता थे? पद्मावत। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान की सर्वप्रथम खुदाई की गई? हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा स्थल की खुदाई 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य। सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत के राष्ट्रपति। इस राज्य में कुल राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभयारण्यों की संख्या है 311। राष्ट्रीय उद्यान 3 है छत्तीसगढ़ में और अभयारण्य 11 है। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव में किसी प्रकार का शक सुबह होने पर इस पर जांच एवं निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय। बहुउद्देशी बांधों में भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में महानदी पर बना है। इसकी लंबाई 2805 किलोमीटर है। भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है? 8। भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, झारखंड, मिजोरम। संसद का निर्माण होता है राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा से। भारतीय संसद भारत गणराज्य का सर्वोच्च विधायी निकाय है। कौन सा सूफी संत सम्राट अकबर के दरबार में था? शेख सलीम। सूफी संत शेख सलीम चिश्ती 16वीं शताब्दी में मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान थे। राजाओं के पुत्र न होने की स्थिति में भारतीय राज्यों की अधिग्रहण की ब्रिटिश नीति कहलाती थी हड़प का सिद्धांत। सती प्रथा व्यवस्था का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध समाज को जागरूक किया। बाबर और राणा सांगा के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? खानवा का युद्ध। दुर्ग जिले में स्थित जामुल किस उद्योग के लिए जाना जाता है? सीमेंट उद्योग।
वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य है राज्य का संबंध किसी धर्म से नहीं है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य धर्म के आधार पर किसी से भी कोई भेदभाव न करे। सतनाम पंथ के संस्थापक थे गुरु घासीदास। द्वितीय पंचवर्षीय योजना से स्थापित इस राज्य की प्रमुख औद्योगिक नगरी कहाँ स्थित है? भिलाई। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन। स्वर्ण सी समिति की सिफारिश पर वर्ष 1976 में 42वां संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। किस मौर्य सम्राट ने जैन भिक्षु बनने के पश्चात सिंहासन त्याग दिया? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन मुनि भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला में जाकर संलेखना पद्धति से अपने प्राण त्याग दिए। निम्नलिखित में से कौन सा वेद आंशिक रूप से हिंदी में है? अथर्ववेद। अगस्त 1930 में इस राज्य के किस स्थान में जंगल सत्याग्रह हुआ? रुद्री नवागांव। रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह अगस्त 1930 में राज्य के धमतरी जिले में हुआ था। लोहे एवं इस्पात उद्योग में प्रयुक्त होने वाला प्रमुख अयस्क है? हेमेटाइट। किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय स्थल तथा आत्मा कहा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस राज्य में अस्पृश्यता उन्मूलन के कार्य को करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? सुंदरलाल शर्मा। निम्नलिखित में कौन सा भक्ति संत कृष्ण का उपासक नहीं था? रामानंद। सातवाहन वंश के शासकों की कार्यालयीन भाषा थी संस्कृत। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत है? जनता। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए श्रीलंका किसे भेजा? महेंद्र। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए महेंद्र एवं संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। भक्ति आंदोलन में किसका योगदान नहीं था? बाबर। ताजमहल का निर्माण किसके शासनकाल में किया गया? शाहजहां। ताजमहल का निर्माण 1632 ईस्वी में मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा किया गया। हड़प्पा सभ्यता का संबंध किस विदेशी सभ्यता से था? बेबीलोनिया। सिंधु घाटी सभ्यता ने फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं से संबंध स्थापित किया और व्यापार किया। इंडिका का लेखक था मेगास्थनीज। सन 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। रिक्टर पैमाने का आधार है? रिक्टर पैमाना भूकंप के तरंगों की तीव्रता मापने की एक गणितीय पैमाना है। नगरीकरण से किन सामाजिक समस्याओं में वृद्धि हुई है? वेश्यावृत्ति, गंदी बस्ती, बाल अपराध, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। प्रधानमंत्री प्रमुख है शासन प्रमुख।